मेरे वालों सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप बनावांगे अपने किचन दे विच ब्रैडां तो बहुत ही टेस्टी मिठाई, जो कि बिना गैस जलाए तो, बिना दुध तो, बिना खोए तो बहुत ही सौखे तरीके नाल बन जांदी आ। जदों कोई गैसट आ जाण घर विच ते कुछ खाण नूं ना होवे कुछ, तां आपां घर विच पए समान नाल ही बहुत सौखे तरीके नाल, जिन्हें कदे मिठाई नहीं बनाई वह भी बड़े सौखे तरीके नाल तैयार कर सकता है। जो अपने समान लिया ये वास्ते अपन तुहानू दिखाने आ। लो जी अपने लेने, देखो 6-7 अपने ब्रैड लेने, तुसी जेड़े मर्जी ब्रैड ले सकते हो। मैं वाइट वाले ब्रैड लेने क्योंकि वाइट वाइट बर्फी सोहनी लगती है। तो यह अपने लिया ने 6-7 इलायचियां, ये अपने लिया मिल्क पाउडर, ये लिए अपने शुगर, ये लिया अपने कोकोनट पाउडर, ये लिए अपने 2 चमच मलाई दे। सब तो पहला आप जी शुगर है बिल्कुल पीस के इदा बूरा बना लवांगे। आ देखो अपने बिल्कुल बरीक इदा पीस लिया है, बिच इहदे इलायचियां पा लिया सी पीसिया गई। हुण जो आपने ब्रैड ले सीगे इन्हां दा आपां जिहड़ा ब्राउन पार्ट आपां इस तरीके नाल हटा देवांगे। तुसीं इन्हां नूं यूज़ भी कर सकते हो, बस जानी ब्राउन पार्ट हटाउण दे नाल जिहड़ा बर्फी दा कलर आ उह चेंज हो जांदा आ। ब्रैड तुहाडे बिल्कुल ताज़े होने चाहीदे। लो जी आपां ने सारे ब्रैडां दे कंडे ला दित्ते ने, आ देखो ते इन्हां नूं आपां इदां इदां तोड़ लवांगे। तोड़ के आपां ने इह ग्राइंड कर लेने ने। इस तरह आप सारे ब्रैड का क्रंब जहा बना लवेंगे। ये हूँ आप जो मिल्क पाउडर लिया से यह भी आप बिचे पा देवे, जो अपने कोकोनट पाउडर लिया सी वह भी आप बिचे पा देवे, जो अपने शुगर का बूरा जहा बनाया सी भी आपने बिचे पा देना है। आप इन सारे मिक्स कर लवेंगे। फ्लेवर दे लई थोड़ा जिहा इलायची पाउडर आपां होर पा देवांगे। जो आपने मलाई लई सीगी वह भी आपने विच्चे पा देनी है। हुण आपां हत्थ दे नाल सारियां चीज़ां मलाई दे विच चंगी तरह मिक्स कर देवांगे। जे लोड़ पवे तां मलाई आपां होर भी पा सकते हैं। आ देखो आपने इस तरीके नाल हत्थ दे नाल बिल्कुल मिक्स कर लिया है चंगी तरह। देखो किन्ना वधिया बर्फी का डोर तैयार हो गया। ज़्यादा अपने सॉफ्ट भी नहीं करनी हैगी, ये ज़्यादा अपने सख्त भी नहीं करनी हैगी, उन्नी कु मलाई पानी है जिन्नी क दे नाल अपने आपको पता लग जाता भी इन्नी क दे नाल अपनी बर्फी जम के तैयार हो जूगी। हुण आपां किसी भांडे नूं ग्रीस करके उहदे विच आपां इहनूं बर्फी जम्मण दे लई रख देवांगे। अपने कंटेनर जिहा लै लिया एक चौरस, कोई भी थोड़े को प्लास्टिक का डब्बा तुसीं उह भी लै सकदे हो। आह देखो बटर पेपर रख लिया अपने विच, इक फैंड दे नाल ग्रीस कर देवांगे। आपां हुण हत्थ दे नाल उपरों चंगी तरह इहनूं प्रेस कर देवांगे। आपां किसी फ्लैट कौली की वरतों भी कर सकते हैं, जां किसी स्पून की हैल्प नाल भी आपां इहनूं प्रेस कर सकते हैं, ताँ कि बर्फी कट्टण समय बिल्कुल उपरों एकदम फ्लैट हो गए। जी आपां इहनूं हुण अद्धे क घंटे के लिए रैसट दे लई रख दिंदे हां, चाहे तुसीं फ्रिज विच भी रख सकते हो ते बाहर भी रख सकते हो। आ 5-7 पीस ते मैं कद्दूकस कर ले ने, ब्रीक सीगा मेरे को कद्दूकश, उहदे नाल कद्दूकश करके हुणे आपां बर्फी नूं उपरों गार्निश करांगे। अपना अद्धा घंटा हो चुक्या है, बर्फी है जिहड़ी अपनी जम के तकरीबन तैयार हो चुकी है। आपां पिस्ते दे नाल उपरों गार्निश कर देवांगे ते चमचे दी हैल्प दे नाल आपां इस नूं इस तरह दबा देवांगे। बहुत ही सोहनी बर्फी जम के तैयार हुई है। हाँ जी बर्फ का पेपर आपां कढ देवांगे विच्चों। लो जी इस तरीके नाल आपां इन प्लेट के रख दें। देखो लो जी बर्फी अपनी बहुत सोहनी जम के तैयार हो चुकी है। आपां इहदे पीस बना लवेंगे। बर्फी कट्टदे समय तुसीं अपनी मर्जी दे नाल कोई भी शेप दे सकते हो। लो जी मेरी ब्रैड की बर्फी बन के तैयार हो चुकी है। तुसीं भी इस तरीके नाल बनाए हो, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही देखो मैं एक तोड़ के दिखाउनी हां तुहानूं। आ देखो जिन्नी वेखण नूं वधिया लगदी है उन्नी देखो, आ देखो
खाने नूं वधिया इह बहुत ही सौखे तरीके नाल बणदी है ते तुसीं वी जरूर ट्राई करियो। मेरी अज दी रेसिपी तुहानूं किवें दी लगी कमेंट करके जरूर दस्सियो ते जिहड़ा भैण भरा मेरे चैनल ते फस्ट टाइम आया सबसक्राइब करके जरूर जायो, दब के शेयर करियो मेरी रेसिपी नूं ते वीडियो वेखण दे लई धन्नवाद।